हेलो एवरीवन वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड सो बच्चों अभी हम डिस्कस करेंगे क्लास एट सोशल साइंस का एक क्वेश्चन पेपर ये सेकेंड पीरियडिक टेस्ट का पेपर है सेशन 2022 टू 23 का सबसे पहले है सेक्शन ए जिसमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज द म्यूटनी स्टार्टेड फ्रॉम एटीन में इंडियन सिपॉयज ने जो म्यूटनी की थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट

ब्रिटिश एट बैरकपुर उस इंडियन सोल्जर का नाम बताइए जिन्होंने बैरकपुर में ट्राई किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रेबेलियस होने का बट ही वॉज अरेस्टेड लेकिन उनको अरेस्ट कर लिया गया एंड हैंग टू डेथ ऑन एट्थ ऑफ अप्रैल ये थे मंगल पांडे नेक्स्ट इज फिर फिरंगीज कहते थे फॉरनर्स को विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी एक्टिविटी इनमें से कौन सी एक सेकेंडरी एक्टिविटी है टूरिज्म है फिशिंग ये प्राइमरी है ंगाल में बास्केट बीविंग फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ ये आती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की कैटेगरी में विच फैक्टर अफेक्ट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री इंडस्ट्री कहां पर लोकेटेड होगी इसको कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं लैंड अवेलेबल है या नहीं होगी या नहीं या फिर दोनो, दोनों दोनों ही फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे इंडस्ट्री okay. okay. में यूज होने वाले किन्हीं दो रॉ मटीरियल का नाम आपको बताना है जैसे कॉटन ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होती है एंड शुगर केन शुगर मिल्स नेक्स्ट इज गिव टू एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज टर्शरी जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज को सपोर्ट करती हैं जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन टूरिज्म अभी देखा अभी हमने ऊपर एंड बैंकिंग नेक्स्ट इज व्हाट इज मीन बाय टर्म इंडस्ट्री इंडस्ट्री टर्म का क्या मतलब है इंडस्ट्री मतलब गुड्स को प्रोड्यूस करना मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करना सो बाय इंडस्ट्री वी मीन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इंडस्ट्री में या तो चीजें बनेगी मिनरल्स एक्सट्रैक्ट होंगे एक्स्ट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेस नेक्स्ट इज तांतिया टोपे वॉज द ब्लैंक ऑफ नाना साहेब

उन्होंने कहा था कि जो उनका अडॉप्टेड सन है उसको किंगडम का मेल एयर माना जाए सो हर डिमांड वॉज टू रिकॉग्नाइज हर अडॉप्टेड सन उनके हस्बैंड की डेथ के बाद एज द मेल एयर ऑफ द किंगडम झांसी दैट वॉज रिफ्यूज बाई ब्रिटिशर्स नेक्स्ट इज हाउ डिड लास्ट मुगल लिव द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ लास्ट मुगल एम्प्रियर बहादुर शाह जफर उन्होंने अपनी लाइफ के लास्ट ईयर्स कैसे बिताए सो so, वो जेल में थे द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ इन अल इन रंगून और वहीं पर उन, वो और उनकी वाइफ थी वहीं पर 1862 में उनकी डेथ हो जाती है नेक्स्ट इज विच आर द मेन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री इंडस्ट्री कहाँ पर लोकेटेड होगी कौन कौन सी चीजें इस बात को अफेक्ट करती है फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं सबसे पहले तो क्या वहां पर रॉ मटीरियल अवेलेबल है सो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटीरियल लैंड एंड वाटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए क्योंकि मोस्टली इंडस्ट्रीज में वो यूज होती हैं एंड लेबर अवेलेबल है या नहीं ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है या नहीं चीज़ों को एक से दूसरी जगह ले जाने के लिए या फिर रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करने के लिए बाहर से ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केट अवेलेबल है या नहीं आसपास चीज़ों को सेल करने के लिए कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रैपिडली एक्सपैंडेड इन मुंबई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुंबई में एकदम से इतना रैपिडली क्यों एक्सपैंड हुई एक तो वहाँ का जो क्लाइमेट था वो सूटेबल था सिटी वॉज ह्यूमिड सिटी वॉज एनवायरनमेंट था वार्म क्लाइमेट जिससे कि कॉटन का जो ग्रोथ है उसको वो सपोर्ट करती है ऐसा एनवायरनमेंट विच सपोर्ट ग्रोथ ऑफ कॉटन तो रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल था जो हमने देखा इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है सेकेंडली पार्ट्स uh, में ही पोर्ट्स लोकेटेड थे जहां से एक्सपोर्ट कर दिया जाता था क्लोथ्स को सो so, पोर्ट ज लोकेटेड इन मुंबई विच हेल्प इन विच वॉज हेल्पफुल इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स ओके और लेबर भी चीप थी पास के एरिया से मिल जाती थी उनको ओके नेक्स्ट नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन डी ये थ्री मार्कर्स हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ एग्रीकल्चर बेस्ड ऑन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में क्या डिफरेंसेस हैं एग्रो बेस में जो मटेरियल है वो एग्रीकल्चर से मिलते हैं बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड सो रॉ मटेरियल मटेरियल्स डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर और इसमें रॉ मटेरियल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम मिनरल्स उसके अलावा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में इतनी ह्यूज कैपिटल की ज़रूरत नहीं है जितनी कि मिनरल बेस्ड में होती है लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड और इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड नेक्स्ट इसमें जो गुड्स बनती है एग्रो बेस्ड में वो जनरली कंज्यूमर गुड्स होती हैं जिनको हम कंज्यूम करते हैं सो कंज्यूमर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड और मिनरल में कंज्यूमर भी होती है और इसमें मोस्टली वैल्यू बेस्ड गुड्स होती हैं वैल्यू बेस्ड एंड कंज्यूमर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड उसके बाद एग्जांपल्स आप दे सकते हैं गुड्स आर प्रोड्यूस जैसे कि शुगर एग्जांपल शुगर इंडस्ट्री शुगर केन एग्रीकल्चर से इसको रॉ मटेरियल मिलता है जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं टेक्सटाइल एंड इसमें होगा जैसे कि मशीनरी जहाँ पर बनती है इंडस्ट्रीज, ओके नेक्स्ट नेक्स्ट इज वाइड सॉरी वॉट डिड ब्रिटिश डू टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु कन्वर्टेड टू क्रिस्टानिटी ब्रिटिशर्स ने क्या किया उन लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कि क्रिश्चियन बन रहे थे उन्होंने कहा कि जो प्रॉपर्टी है आपकी उसको आप इनहेरिट कर सकते हैं अपने एंसेस्टर्स से प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस को इजी बना दिया लॉ पास कर दिया जिससे कि लोग आसानी से कन्वर्ट हो जाते थे क्रिश्चियनिटी में सो इन इन ये हुआ था पीपल हु टू क्रिश्चैनिटी क्रिश्चियनिटी कैन आर एबल टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ देयर एंड सिस्टर्स एंड सिस्टर्स ओके सो दिस लॉ ये लॉ पास किया गया था प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का दिस लॉ मेड इट ईजियर टू कन्वर्ट क्रिशनिटी नेक्स्ट इज विच इंडस्ट्रीज ऑफन रेफर ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री मॉडर्न इंडस्ट्री के बैकबोन किसको कहा गया है ये कहा गया है स्टील को एंड वाई क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है मशीनरी बनती है शिप्स बनते हैं ऑटोमोबाइल्स कार्स बनते हैं स्कूटर्स बनते हैं जिनमें स्टील की जरूरत होती है इनफैक्ट एक बहुत छोटी सेफ्टी पिन और निडल्स से लेकर बड़ी चीजों में बड़ी बड़ी चीजों में स्टील्स यूज होती है और स्टील मशीन्स को ही यूज करके ऑयल ड्रिल किया जाता है और स्टील की ही पाइपलाइंस में उसको एक से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है फार्मिंग में स्टील के इक्विपमेंट्स यूज होते हैं सो so, पहले तो आंसर आप लिखेंगे स्टील इज रेफर्ड टू आज बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री एंड वाई बिकॉज लार्ज बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ स्टील फ्रेमवर्क

and uh, steel pipelines are used to transport oil is it three mark ka hi hai ye word and uh, many equipments of steel are used in farming मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों में ही ये हेल्पफुल है

सो ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है झारखंड में है जमशेदपुर एंड मुंबई इज इन महाराष्ट्र ओके सो ऑल स्टूडेंट्स ये था क्लास एट सोशल साइंस का एक क्वेश्चन पेपर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग